ये हम सब का सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है। आप सब जानते हैं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में जब भी आदरणीय जेटली जी के साथ हम लोगों ने कोई बात उन तक पहुंचाई है, बड़ी उदारता से उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में और उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं का लाभ बराबर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो सके और कहाँ की कौन सी आवश्यकता है, इस दृष्टि से निरंतर उनका सहयोग और मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय अरुण जेटली जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी की उपस्थिति और साथ साथ हमारे तमाम अन्य केंद्रीय मंत्रियों का, अन्य सम्मानित अतिथियों का, विभिन्न देशों के जो हमारे राजदूत हैं, उच्चायुक्त गण हैं, उनकी उपस्थिति हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर उन सब का भी हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अभी हमारी सरकार को प्रदेश में कार्य करते हुए 11 महीने का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है। इन 11 महीनों में उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में जब एक खाका तैयार करना था, हमारा रोड मैप क्या हो, हमारी विकास की योजनाएं किस प्रकार से समान रूप से प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए जब हम लोगों ने अपनी कार्य योजना बनानी प्रारंभ की तो किसानों को, गरीबों को, वंचितों को, नौजवानों को, महिलाओं को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने और उन विकास योजनाओं का समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की जिस कार्य योजना को हमारी सरकार ने लागू किया, उसी की पहली कड़ी थी जब हम लोगों ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम उत्पादकों और उत्तर प्रदेश के उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को लागू किया था। यह उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार और उत्तर प्रदेश के उन उद्यमियों को जिन्हें कभी शासन के स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाया था, यद्यपि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक ऐसी योजनाएं प्रारंभ हुई जिनका लाभ लेकर के हम परंपरागत उद्यम को और उत्पाद को आगे बढ़ा सकते थे। उन्हीं योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप के साथ, मेक इन इंडिया के साथ, उस परंपरागत उत्पाद को जोड़ने के लिए ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर लागू किया और आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 किसी की अगली कड़ी है जो उत्तर प्रदेश के इस असीमित संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश अति प्राचीन काल से ही भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। आज भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। देश के अंदर पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को उत्तर प्रदेश अपने अंदर समेटे हुआ है, लेकिन जब भी इन कार्यों के बारे में कोई भी ऐसे अभियान चल नहीं पाए थे जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे सके, और इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट को हम लोगों ने जो आयोजन यहाँ पर किया, यह आयोजन इसलिए अपने आप में पहला एक अद्भुत अनुभव है जो उत्तर प्रदेश की अलग अलग पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर सकता है। हमें प्रसन्नता है कि 10 देशों के प्रतिनिधियों ने
6000 से अधिक प्रतिभागी यानी डेलीगेट्स ने, 100 से अधिक मीडिया हाउसेज ने और बी टू जेड की 400 से अधिक बैठकों में 110 से अधिक कंपनियों ने विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से इस इन्वेस्टर समिट में अपना प्रतिभाग किया है। 32 से अधिक समानांतर सत्रों में 120 से अधिक वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं और जिन प्रमुख क्षेत्रों में फोकस करके यह इन्वेस्टर समिट यहां पर आज संपन्नता की ओर जा रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध विकास, डेयरी को लेकर, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, एमएसएमई में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, आईटी व आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एवं स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और नवीनीकरणीय ऊर्जा आदि ये सेक्टर हैं जिनमें यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने डिफेंस और एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्यूटिकल तथा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग जैसे नवोदित जो विकासशील उद्योग हैं, इन क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करने का इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 1045 एमओयू को उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति के साथ यहां पर उन्हें स्वीकार किया, समझौता ज्ञापन पर यहां पर हस्ताक्षर हुए, जिनके माध्यम से 4 लाख 28 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बारे में यहां पर पूरी पुख्ता व्यवस्था की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 4 लाख के ऐसे अन्य प्रस्ताव हमारे पास आए हैं जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न सेक्टर्स में जिन्होंने रुचि दिखाई है। ये सभी एमओयू जब फॉलो अप होकर के क्रियान्वित होंगे तो लगभग 33 लाख रोजगार और नौकरियां इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर प्राप्त होंगे। हमारे जो पार्टनर कंट्रीज थे इसमें नीदरलैंड्स, जापान, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, स्लोवाकिया, मॉरिशस और थाईलैंड का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़ी उदार मना से यूपी इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लेकर के अपने डेलीगेशन के साथ इस अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में इन्होंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन सत्र में इस पूरे इन्वेस्टर समिट में मार्गदर्शन के साथ साथ उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तोहफा भी दिया है जिसमें तात्कालिक रूप से 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, तात्कालिक रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और लाखों नौकरियों का सृजन भी इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी ने कल इस अवसर पर जिन मुद्दों को ध्यान आकर्षित किया, मैं इस बात के लिए देश से आए हुए सभी निवेशकों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे उपयुक्त निवेश का स्थल है। आज के दिन पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर बेहतरीन है और साथ ही साथ मैं इस बात के लिए भी कह सकता हूं कि जिस सिंगल विंडो पोर्टल को कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, यह देश के अंदर डिजिटल क्लियरेंस का पहला पोर्टल है जिसके माध्यम से एक स्थान पर बैठ करके बिना किसी लाल फीताशाही या नौकरशाही की चपेट में आए हुए हर निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश की सुविधा का, पॉलिसी के अंतर्गत उस सुविधा का लाभ पा सकता है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाला हर निवेशक हमारे लिए एक अतिथि के रूप में है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उन सभी अतिथियों का, निवेशकों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने और उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वास बहाली के इस माहौल में अपना सहयोग किया है। यह हमारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। हम उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की इस असीमित संभावनाओं को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में हम लोगों ने लिया है और आज समारोह कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि जहाँ बड़ा उत्साह के साथ ये दो दिवसीय कार्यक्रम समापन की ओर है, वहीं हमारे सामने एक कल दुखद घटना घटित हुई। भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर बिजनौर से विधायक श्री लोकेंद्र सिंह चौहान की कल इन्वेस्टर समिट के ही कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे बिजनौर से आ रहे थे। सीतापुर के पास एक सड़क दुर्घटना में उनकी दुखद मौत हुई है। क्योंकि उनका अंतिम संस्कार आज हुआ है, इसलिए अंतिम संस्कार के पहले कोई भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम सामान्य परंपरा के अंतर्गत निषिद्ध है और इसलिए आज मैं इस समारोह के कार्यक्रम के अवसर पर आज उनका दाह संस्कार का कार्यक्रम उनके पैतृक गांव में संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अपने होनहार विधायक श्री लोकेंद्र सिंह चौहान जी को और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे उन सबको जिनकी इस सड़क दुर्घटना में दुखद मौत मृत्यु हुई है उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो भी हमारे अतिथिगण, निवेशकगण, उद्योगपतिगण इस दो दिवसीय इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में प्रतिभाग किए हैं, मैं उन सबका हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनुकूल वातावरण यहां देखने को मिला है यह और भी अनुकूल आपको इस अवसर पर प्राप्त होगा। एक बार पुनः आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।